नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। खबर फरुखाबाद से आ रही है, जहां पर एक युवक देर रात घर आए, रिश्तेदारों को छोड़ने गया हुआ था, लेकिन वापस न लौटने पर परिवार के लोग उसकी तलाशी करने लगे और साथ ही उसे खोजने लगे। तो वहीं गांव के किसी व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थिति में गांव के किनारे युवक का शव पड़ा हुआ मिला। तो वहीं परिवार वालों को जब झाड़ियों में शव मिला, तब परिवार के लोगों में मातम सा फैल गया। सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मामले की जाँच में जुट गई है। सिद्धार्थनगर जिले के खेरसहा विकास खंड में अलग अलग ग्राम सभा से मनरेगा मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर के मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों से बातचीत की है। जहां पर खेरसहा विकास खंड में कई गांव में मजदूर को काम न मिलना प्रमुख समस्या बन गया है, तो वहीं कई गांव के मजदूर ने खंड विकास अधिकारी से काम की मांग भी की है और राष्ट्रीय सचिव रेवती रमन ने मजदूरों को भरोसा दिलाया है कि संगठन मजदूरों की समस्या दूर करने का हर सफल प्रयास करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रकाश प्रसाद श्रमिक ने बताया कि मनरेगा एक्ट के तहत ही पर्याप्त सुविधाएं हर मजदूर को दिलाने के लिए हमारा मनरेगा मजदूर संघ प्रयास करता रहेगा। खबर आपको बता दें कि जुनवाई थाने से है, जहां पर कुछ दबंगों में एक साधु को मारने की धमकियां मिल रही है। इतना ही नहीं, दबंगों ने साधु को उसकी मठ से भगाने की भी कोशिश की है। बताया ये भी जा रहा है कि मंदिर के पीछे दबंग की जमीन है, जिसको लेकर के दबंग लोग मंदिर की जमीन को भी हड़पना चाहते हैं। साधु इसको लेकर के पुलिस से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसे दबंगों से अभी तक छुटकारा नहीं मिल पाया है। पीड़ित साधु ने मीडिया से बताया कि अपनी गुहार लगाया, वहीं साथ ही अपना दर्द भी बयां किया है। इस संबंध में मंगलवार को गुन्नौर कोतवाली प्रभारी को तहरीर भी दी गई है। पीड़ित की मानो तो पथरिया चौकी इंचार्ज ने इस मामले से पहले साधु के साथ गलत भाषा का प्रयोग किया था, जो कि प्रशासन के लिए बेहद ही शर्मनाक की बात है। अच्छा, आप यहाँ थाने में आए हो कई लोगों के साथ, क्या मामला है? मामला यह है कि मैं सेवरा समाधि आश्रम पर रहता हूँ, वहाँ जो दबंग मुझे परेशान करते हैं, मेरे चेलों को परेशान करते हैं। कब से परेशान कर रहे हैं? परेशान करते तो काफ़ी दिनों का, 8 साल के लगे हो। तो अभी पहले आपने शिकायत की क्या पुलिस से? मैं पतरिया चौकी शिकायत करता हूँ। कोई कार्रवाई हुई? वो लोग कार्रवाई नहीं करते। तो आज आपने यहाँ थाने में तहरीर दी है? तो फिर मैंने थाने में तहरीर दी है। ऐसे तो बहुत बार साहब सुनाएंगे, बड़े अधिकारी छोटे नहीं सुनेंगे, तो सुनेगा। मुलाकात हो गई? हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले अहोय अष्टमी के दिन अगर कोई निस्संतान दंपत्ति सच्चे मन से राधा रानी की पूजा करके कुंड में स्नान करता है, तो राधा रानी उस दंपत्ति की झोली संतान से भर देती है। इस दिन दंपत्ति संतान की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत भी रखते हैं और यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। और यह माना भी जाता है कि राधा कुंड इतना चमत्कारी है कि सच्ची श्रद्धा रखने वालों से राधा रानी प्रसन्न रहती हैं और उनको सुंदर और स्वस्थ संतान प्रदान करती हैं। परंपरा के अनुसार जिस दंपत्ति की इच्छा पूरी हो जाती है, वह अपनी संतान के साथ वापस इस कुंड में स्नान करने और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने जरूर आते हैं। इस कुंड की लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रचलित है। ये यहाँ रात के 12 बजे, कल रात के 12 बजे यहाँ पर एक मेला लगेगा और जो मेला है ये राधा कुंड और श्याम कुंड के दोनों कुंडों पर लगेगा। किसी के संतान नहीं होती है, संतानों के मर जाती है, लड़की लड़कियों लड़का नहीं होता, कोई बच्चे भी नहीं होते हैं, तो यहाँ स्नान करने से पुत्र प्राप्ति होती है। ये राधा कुंड है, स्वयं राधिका जी ने अपने कंगन से बनाया है। ये बगल में श्याम कुंड है, भगवान ने अपने बंशी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में संविदा कर्मचारी संघ ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भाग लिया है, जहां पर मशाल जुलूस का कार्यक्रम मुख्य अभियंता कार्यालय देवीपटन मंडल गोंडा से गांधी प्रतिमा गांधी पार्क गोंडा तक निकाला गया है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने की थी। वहीं इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अतुल सिंह, मंडल महामंत्री आशुतोष सिंह, जिला सचिव रमेश त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष सुशील मिश्रा और सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सबने मशाल जुलूस के कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और सभी ने बिजली के संविदा कर्मचारियों ने 15 नवंबर 2021 को लखनऊ में शक्ति भवन का घेराव भी करेंगे इसके बाद भी कही है, अगर उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग पूर्णतया कार्य का बहिष्कार भी करेंगे।
पीड़ित महिला से रिश्वत मांगने वाले डॉक्टर को बुरी तरह से लताड़ा गया। आपको बता दें कि थाना जहानगंज के ग्राम गदनपुर तुर्रा निवासी अमर सिंह की नाबालिग पत्नी के साथ आपको बता दें कि छेड़खानी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट बीते दिनों थाना जहानगंज में दर्ज कराई गई थी। अमर सिंह की पत्नी पुष्पा पीड़ित पुत्री को लेकर के कमालगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो अस्पताल की डॉक्टर ममता अरुण ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए 5,000 रुपये की मांग की कि तभी अमर सिंह ने रिश्वत की क्षेत्रीय शिकायत विधायक नागेंद्र सिंह राठौर से कर दी। विधायक नागेंद्र सिंह राठौर तुरंत ही अस्पताल पहुंचे और रुपए मांगने वाली डॉक्टर से घटना की जानकारी ली तो डॉक्टर ममता अरुण ने कहा है कि मैंने रुपए नहीं मांगे हैं। वहीं राठौर ने रिश्वत मांगने वाली डॉक्टर के बारे में जानकारी दी है और मौके पर ही ममता की शिकायत आला अधिकारी से करके कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। क्या कराने आए थे आप? ये डॉक्टरी रिपोर्ट कराने आए थे तो आपसे कितने रुपए मांगे? 5,000। किस चीज के लिए 5,000 रुपए? रिपोर्ट मांगने, रिपोर्ट बनवाने के लिए 5,000 रुपए मांगे? लिखाई के रुपए मांगे? अच्छा, किस के लिए आपको 5,000 रुपए मांगे गए थे? इनकी लड़की का मेडिकल होना, रिपोर्ट लिखवानी थी तो 5,000 रुपए मांगे गए थे आपसे तो आपने। विधानसभा के मोरके इंटर कॉलेज मैदान बजाना में राष्ट्रीय लोक दल की ओर से आशीर्वाद पत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि जब मोदी जी आए तो नोटबंदी होने से घर घर की पूंजी खत्म हो गई। साथ ही कहा कि छोटे कारखाना, छोटे व्यापार और सरकारी नौकरी रोजगार भी खत्म हो गए। जब कोरोना आया तो बिस्तर ऑक्सीजन खत्म हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है और इसीलिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आए हूं। केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 महीनों से किसान धरने पर बैठे हैं लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। के साथ मिलकर हम पिछला चुनाव लड़े थे और आज भी हमारी उनसे बात चल रही है। के साथ मिलकर हम पिछला चुनाव लड़े थे और आज भी हमारी उनसे बात चल रही है। के साथ मिलकर हम पिछला चुनाव। रुकनुद्दीन सराय किसान सेवा सहकारी समिति के सामने किसानों ने MSP के मूल्यों पर धान की खरीद न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। रुकनुद्दीन सराय किसान सेवा सहकारी समिति के सामने बुधवार को दर्जनों किसानों ने रोड जाम कर दिया। किसानों का आरोप था कि सहकारी समिति पर पिछले 3 दिन से धान खरीद नहीं की जा रही लेकिन सरकार किसान का धान खरीदना नहीं चाहती है। इस मौके पर गुस्साए किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के घंटों समझाने के बाद जाम को खुलवाया गया तो वहीं किसानों को धान खरीद कार्य भी शुरू कराए गए। आश्वासन दिया गया जिसके बाद किसानों ने जाम खोल दिया। रजिस्ट्रेशन करा दिया हमने, पूरी फॉर्मेलिटी करा दी, तहसील से वेरीफाई करा दिया, उसके बाद हमें डेट मिली। डेट मिलने के बाद 3 दिन पहले हम धान की अपनी ट्रॉली यहाँ लेकर आए तो 3 दिन यहाँ खड़े हो गए, आज तक भी ट्रॉली की तोल नहीं हुई। जब तक हमारी तोल सुचारू रूप से शुरू नहीं होगी तब तक हम जाम लगाए रखे। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS Star News।